गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो कल तक पढ़ा था वो 8.1 तक पढ़ा था और 8.2 का भी छोटा सा पार्ट पढ़ा था। आज हम 8.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 68.01 एंड 69.9 फ्रॉम देयर सम। मतलब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस को और सम को इन दो डिजिट के। मतलब पहले आपको इन दो डिजिट का सम निकालना है, ठीक है। डिफरेंस मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करना है और ये जो दोनों टोटल आंसर आए इनको लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। एक और बार मैं आपको जैसे बताती हूँ किस तरीके से। एक और बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 68.01 एंड 6.9 फ्रॉम देयर सम। मतलब पहले इन दो के सम निकालने हैं, दूसरा इन दो का डिफरेंस निकालना है और तीसरी चीज उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर हम सम निकालेंगे, सम यानी ऐड करेंगे 68.01 और 6.9 को, तो क्या आंसर आएगा, 19 पॉइंट का पॉइंट नीचे 8 और 6 14 प्लस 6 1 प्लस 7, तो मतलब ऐड करने पे क्या आया, 74.91। अब हम करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस करना यानी माइनस करना है, तो 68.01 माइनस 6.9 माइनस करने पे क्या आया आंसर, 61.11। क्या आंसर आया, 61.11। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो क्या करना है, सम माइनस डिफरेंस यानी 74.91 माइनस 61.11, और इसे माइनस करने पर आंसर क्या आया, 13.8। कितना आंसर आया, 13.8, ठीक है। क्वेश्चन 11 में पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 2.964 टू मेक इट इक्वल टू 12.67। मतलब आप 2.964 ये जो डिजिट दे रखी है 2.964 में क्या ऐसा ऐड करें कि वो 12.67 के इक्वल आ जाए। तो आप जरा यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए ये है 3 प्लस यहाँ ऐसी कोई भी डिजिट है जो हमें ऐड करनी है 5 आ जाए, तो 3 में हम ऐसा क्या ऐड करें यहाँ पर कि डिजिट 5 आ जाए। तो सिंपल है 2, हमें कैसे पता चला, 5 3 को इधर ले जाएंगे, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ 2 आना चाहिए। 3 में आप 2 ऐड करेंगे तभी क्या आएगा, 5 आएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2.964 टू मेक इट इक्वल टू 12.67, ठीक है। तो मान लीजिए जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो a है, हमने मान लिया कि वो अज्यूम कर लिया कि चलो वो a है, तो पहले हमने डिजिट लिखा 2.964 प्लस 8 इज इक्वल टू 12.67, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 12.67 माइनस 2.964, ये कैसे पता चला, a इज इक्वल टू 12.67 था, 2.964 वहां गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, यहाँ प्लस में था वहां जाके माइनस में हो गया, और इन दोनों को माइनस करने पर आंसर क्या आया, 9.706 आंसर आया, 9.706। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, टोटल वेट ऑफ 3 बॉयज इज 98.05 kg, इफ द वेट ऑफ 2 ऑफ देम इज 36.97 एंड 41.03, फाइंड द वेट ऑफ द थर्ड बॉय। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन लड़के हैं, तीन में से एक का वेट है 36.97, दूसरा लड़का है उसका वेट है 41.03 और तीसरा लड़का है उसका आपको वेट निकालना है और आपको इन तीनों का टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए तीन लड़के हैं, तीनों के पास एक एक ट्रॉफी है, एक के पास, एक बच्चे के पास एक ट्रॉफी, दूसरे के पास एक ट्रॉफी, तीसरे का हमें पता नहीं है निकालना है, और चौथे के, और इन्होंने ये बताया है कि जो टोटल है वो 3 है। मतलब एक जो बच्चा है उसके पास एक ट्रॉफी है, दूसरा बच्चा है उसके पास एक ट्रॉफी है, तीसरे बच्चे का हमें पता नहीं है, और जो टोटल ट्रॉफी थी वो थी 3। अब ये बताना है कि वो जो एक बच्चा बचा हुआ है उसके पास कितनी ट्रॉफी होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों को हम पहले प्लस कर देंगे और टोटल से क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे टोटल से, माइनस 3 माइनस 2 यानी 1, यानी जो तीसरा बच्चा था उसके पास भी एक ही ट्रॉफी होगी, तभी तीनों की जो टोटल ट्रॉफी है वो 3 आई, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे हम,
फर्स्ट बॉय वेट ऑफ वन बॉय 36.97, वेट ऑफ सेकंड बॉय 41.03। पहले क्या किया हमने, इन दोनों को प्लस किया और फिर टोटल में से माइनस कर दिया। क्या किया, दो बच्चों का वेट प्लस करके और उसमें टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमें तीसरे बच्चे का वेट पता चल जाएगा। तो वेट ऑफ थर्ड बॉय का वेट कैसे पता चला, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ टू बॉयज। टोटल वेट कितना था 98.05, माइनस प्लस करने पे कितना आया था 78.05 माइनस 78 कितना आएगा 20.05। यानी जो उस बच्चे का वेट है थर्ड बच्चे का, थर्ड बॉय का, वो कितना है 20.05।